भवानीपुर में उपचुनाव के मद्देनजर हर वर्ग के लोग ममता बनर्जी की जीत की कामना कर रहे हैं और भवानीपुर के मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को बड़ी मात्रा से जीत दिलाएं। इसी कड़ी में अब स्पोर्ट जगत के लोग भी ममता बनर्जी के समर्थन में आ गए हैं। आज कोलकाता प्रेस क्लब में इंडियन कराटे एसोसिएशन की तरफ से प्रेस वार्ता कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि बंगाल में अगर किसी सरकार ने स्पोर्ट का मान बढ़ाया है तो वो है सिर्फ ममता सरकार। ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री हैं जो तमाम वर्ग का पूरा ख्याल रखती हैं। उन्होंने खेल जगत को भी बहुत सम्मान दिया है। खेला होबे का नारा देकर ममता बनर्जी ने खेल के प्रति लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया है। वहीं इस मौके पर पूर्व कराटा चैंपियन और कोच एम ए अली ने कहा कि ममता बनर्जी ने स्पोर्ट जगत को आर्थिक तौर पर भी काफ़ी मदद की है, इसलिए हम भवानीपुर के लोगों से अपील करेंगे कि ममता बनर्जी को भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि बंगाल में विकास का दूसरा नाम ममता बनर्जी है। इस अवसर पर वुशु एसोसिएशन ऑफ बंगाल के टेक्निकल डायरेक्टर गौतम सेठ, कराटा वर्ल्ड चैंपियन आयशा नूर, कराटा प्लेयर मोहम्मद फारूक, कोच मोनी माला हल्दर और अन्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान सब ने भवानीपुर के उपचुनाव में ममता बनर्जी की जीत की कामना की। देखिए, ना ही मुझे पार्टी भेजा है, ना ही किसी लीडर ने कहा है, पर दीदी जो खेल के लिए कर रही हैं, विशेष करके हम लोग के लिए, खिलाड़ियों के लिए, खेल का विकास के लिए, वो कोई भी आज तक नहीं किया है जो दीदी किया है। एक उदाहरण मैं बताऊँ कि हमारी टीम थाईलैंड से जीत के आई थी तो ज्योति बसु मरहूम ने सिर्फ मुबारकबाद कहा था, एक वर्ड, आधा घंटा मेरी बात सुना और एक वर्ड कहा, मुबारकबाद, एक चॉकलेट भी नहीं दिया। और उसके बाद में मैंने ममता बनर्जी से मिला उनके घर पर, तो दीदी ने प्यार से अपने हाथ से चाय बनाया और ढेर सारी मन की बात की। ये भी कहा कि मैं अगर कबड्डी को नेशनलाइज कर सकती हूँ तो वाई नॉट कराटे। और बहुत बार हमने देखा है कि विभिन्न संस्था को दीदी मदद कर रही हैं जाके स्पोर्ट्स आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़ें, देश विदेश जाएं, नाम कमाएं। तो सब कुछ को देखते हुए हम यही अर्जी करेंगे भवानीपुर के लोगों को कि एक भी वोट प्रियंका तिबरीवाल को नहीं देना है, सारी की सारी वोट दीदी को गिनना चाहिए, इसलिए राज्य का विकास होगा, एक नया सूरज देखने को मिलेगा। भाई देखिए, हेल्प तो अपनी जगह है, पर आज कोई भी पार्टी का एक एमएलए के घर जाएं तो आपको अपने हाथ से चाय नहीं बनाता है, अपने हाथ से चिट्ठी नहीं लिखता है। वही दीदी है जो एक इंसानियत के नाते एक माँ की तरह प्यार से चाय बना के कभी मुझे पिलाया था। तो हम इंसान हैं, हमें तो कुछ, मेरा भी तो कुछ फ़र्ज है, कुछ कर्तव्य है। तो उस हिसाब से हम इंटरनेशनल चैम्पियन हुई, जहाँ पर अमेरिका सरकार ने उसको अवार्ड दिया, उसको विश किया, उसके ऊपर फिल्म बनाया, हमारी भारत सरकार क्या की, मोदी सरकार क्या किया, कुछ नहीं किया, ये आप लोगों को पता है। बस ममता बनर्जी, दूसरा और कोई नहीं। और प्रियंका जी, आपने गलत जगह हाथ दे दिया है, आपका जमाना जब्त। एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो सीएम सपोर्ट करती है, सही, ऑनरेबल ममता बनर्जी जी, वो कोई और नहीं करता है। अभी ममता बनर्जी ने सभी जितने कोचिंग कैंप थे सभी को 1-1 लाख रुपया करके दिया, मुझे भी मिला। और स्पोर्ट्स के लिए वो हमेशा एक्टिव रहती हैं, अपने जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनको भी बोलती है कि आगे हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, और बहुत सपोर्ट मिलता है हमें। स्पोर्ट्स जगत को छोड़ के भी अगर हम स्टेट वाइज आए तो मैं एक ही हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ में आप सिर्फ 30 रुपीज़ में दाल, चावल, मछली, चिकन खा सकते हैं। किसी और स्टेट में ये पॉसिबल नहीं है। आप 5 रुपये में गरीब लोग जो है वो दाल, चावल, सब्जी, अंडा खा सकते हैं, किसी और स्टेट में ऐसा सुना ही नहीं है। तो मैं ऐसे सीएम को क्यों ना सपोर्ट करूं? मेरा एक ही क्वेश्चन है, जो हमारे लिए कर रही हैं, जो एक स्टेट को इतना डेवलप कर रही है, मैं उनको क्यों ना वोट दूं? मैं ऑब्वियसली उनको वोट दूंगा और सबसे अपील करता हूं कि प्लीज़ आप ऑनरेबल मिनिस्टर सीएम हमारे ममता बनर्जी को ही वोट दें। थैंक यू। बस मैं एक ही वर्ड बोलना चाहती हूँ कि सपोर्ट करें ममता दी को। काफ़ी सेफ है यहाँ पर, आप कितने बजे में यहाँ भी निकल जाए तो अभी कुछ भी नहीं होता, जैसे अदर स्टेट में इतने रेपिस्ट एंड बच्चों के साथ ये सब होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो अधिक दीदी है तो शायद खुद ही वो एक लेडी है तो वो समझ सकती है। खेला होबे जो हो चुका है और फिर होगा खेला होबे,
यही चीज़ होने वाला है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूशन में। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ हालात बंगाल से कि ममता वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ क्राइम फ्री स्टेट है।